गुड मॉर्निंग गाइस, ये देखो रैपिडो में राइड आ गया है मेरे को। अभी मैं जा रहा हूँ पिक करने को, तो पिकअप 850 ड्रॉप 4.4 और पेमेंट भी 44 रुपये दे रहा है। तो मैंने जीरो कमीशन ले रखा है, आप लोग को पता है, वही जीरो कमीशन का आज लाभ उठाने वाला हूँ। आज का जो चैलेंज है वो रैपिडो चैलेंज होगा हमारा, दूसरा कोई एप्लीकेशन नहीं है ना। अगर कहीं फंसेंगे नहीं मिलेगी रैपिडो से तब जो है उस दो अदर एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, अदरवाइज आज रैपिडो ही चलेगा। ठीक है, चलो पहले ऑर्डर आ चुका है ना, इसको जाते हैं पिक करने। तो गाइस, ये हमारा 48 का हो गया कंप्लीट। बट भाई जो भी बोलो, उबेर के अकॉर्डिंग ना इसमें थोड़ी बहुत लॉस है भाई। ठीक है, ये देखो मैं इसको 48 रुपये कंप्लीट करता हूँ, कितना मिलेगा वो दिखाता हूँ। भले ही जीरो कमीशन हो, 44 रुपीज़ ही मिला और डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर और उधर भाई 1 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर। देखो नुकसान है इसमें भाई, नुकसान है 3 रुपये का डिटेक्शन बता रहा है। सेक्टर 5 पिकअप देखो कितनी दे रही, 2.5 किलोमीटर पिकअप, 5.5 किलोमीटर ड्रॉप और 51 रुपये, यही लॉस है भाई रैपिडो। इसी कारण से ना सब्सक्रिप्शन लो जो भी लो भाई, नुकसान कर देता है। अगर 500-600 मीटर पिकअप रहता है तो चलता है। ये रैपिडो ना डिट्टू अमाउंट देता है, मतलब जितना किलोमीटर रहा ये सबसे शॉर्ट वाला डिस्टेंस ढूंढ करके बंदे को जो है ना राइड देता है। 1.3 पिकअप, 2.8 ड्रॉप, 30 रुपये दे रहा है। अगर यही राइड उबेर में आती ना गाइस तो अच्छी खासी मिल जाती। देख रहे हो, ये अपना डिस्टेंस दिखा रहा है कि इतना डिस्टेंस था, बट हमने ट्रैवल तो कर लिया भाई 5 किलोमीटर। चलो ये इसी कारण से रैपिडो खोलने का मन ही नहीं करता, लेकिन चलो आज के दिन यही दिखाना है आप लोगों को। अच्छी वाली राइड आती है, लंबी वाली, तो लेकर निकलते हैं। चलो मिला धर्मेंद्र जी का CIT रोड, चलो जाते हैं पिक करने। 800 मीटर दिखा रहा है पिकअप। देखो रैपिडो में इंसेंटिव एक्टिवेट हो चुका है, हमारा एक ही इंसेंटिव चल रहा है अभी, जो कि है 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक। इस बीच में मेरे को 7 ऑर्डर करने पड़ेंगे, तब जाके 95 का पेट्रोल इंसेंटिव मिलने वाला। बस एक ही इंसेंटिव आज के दिन दिया है गाइस, तो चलो इस इंसेंटिव को आज हम पूरा करते हैं। ठीक है, 11 बजे तक इसको हम कम्प्लीट करेंगे। आज छोटी छोटी राइड ले करके 7 राइड कम्प्लीट करना है अपने को। चलो भाई मिल गई रैपिडो में फिर से राइड, एंड इस चक्कर में मैंने एक पार्सल जो है ना उबेर का वो छोड़ दिया। बताओ यार, मैं पार्सल वो छोटी वाली थी केस्टोपुर में ड्रॉप करना था, इसलिए सोचा कि चलो छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसका इंसेंटिव लेना ज़रूरी है ना। चलो ये 400 मीटर पिकअप और सिस्टम नंदिता में ड्रॉप करना है, चलो देखते हैं कितना क्या होता है। ठंड बहुत तगड़ी वाली लग रही भाई, धूप जो निकला है ना, देखना 1-2 घंटे में ये धूप हालत ख़राब कर देगा, गर्मी बहुत लगाने लगता है। कहाँ पर है, बुकिंग तो इधर से ही आ रखी है भाई, सामने में है शायद, वो हो सकती है। आप है क्या? पिन बताइए।
कैसे परीक्षा? अच्छा ऑनलाइन करवे ना कैश? ठीक है, वेलकम। चलो ये 4 रुपये 8 पैसे का डिडक्शन किया और इस पे मिला मेरे को 43 रुपीज़। ठीक है, ये सही है ना भाई? 3.7 या 8 किलोमीटर था। ठीक है, अमाउंट चलेगा। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लिया है, ठीक है, अपना शॉप वाले नंबर से। तो आप लोग को जिसको भी ड्राइविंग लाइसेंस इंश्योरेंस या ऑनलाइन सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करो। एंड देखो, बिना मतलब का डिस्टर्ब मत करना, ठीक है, ज्वाइन करो, बातें करेंगे, जो भी क्वेरी होगी हम सॉल्व करेंगे। एक राइड आई, ये राइड है कहाँ की? बेलियागट्टा की है भाई, बेलियागट्टा। चलो अपन ले लिया फटा से, इन पैसे तो कम दिखा रहा था, अब जाने के बाद ही पता चलेगा। 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। चलो पहले पिक करते हैं फिर देखते हैं। कहीं फेक राइड ना हो जाए भाई साहब, क्योंकि ऐसा होते रहता है। लोकेशन तो यही दिखा रहा है। आपने कोना दिए ऑर्डर करे ना कि अभी रूम में थे कोई ही ना? ए साइड है रूम। हां हां ओ जनो 3713 3713। चलो गाइस, हमारा एक राइड हो गया कंप्लीट और ये भी ले लेता हूँ। चलो चलो चलो, छोटी सी राइड दिख रही है, पता है यहाँ पे ये जो लाइट करवाया ना भैया को, मैंने ड्रॉप किया, 106 रुपये मिला, मज़ा आ गया। अच्छा, यहाँ जो मैं लेफ्ट लेने वाला हूँ अभी बताता हूँ। देखो भाई, यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है उद्यान इंडस्ट्रियल ईस्ट, ठीक है, इधर है मतलब। एंड ये रोड का नाम मैप में शो हो रहा है मेरे को, पगला डांगा रोड। भाई साहब, पगला डांगा रोड देख रहे हो क्या क्या नाम रहता है भाई। चलो हम पहले इनको पिक करते हैं, 550 मीटर पिकअप है। ओ दिख दिए, अरे पिंडा बोलो ওটা ফিক্স অ্যামাউন্ট দেখায় না কোনোদিন।
की करी नहीं क्या कस्टमर है यार, लग रहा है अमाउंट हमने सेट किया। हेलमेट यार, मेरा हेलमेट गिरा दी, 30 रुपये ही दिया। बोल रही हम नहीं कर पाए अच्छे से, हम क्या करेंगे इसमें यार। देखो भाई कस्टमर लोग को समझाना अपना सर पे पत्थर मारने जैसा होता है, इसी कारण से हम ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। जो है भाई चलो अपने को क्या है, क्योंकि उसको समझाने जाओगे तो वो आपसे ही सवाल जवाब करना शुरू करते हैं कि इसी कारण से भाई हटो हमें क्या भाई, हमको 31 रुपये शो कर रहे हैं, हमने वो दिखाया, हम थोड़ी ना इसमें कुछ ऐड वैड कर दे रहे हैं। चलो हाँ अभी हम बता देते हैं, एक मेरा इंसेंटिव कम्प्लीट हो गया 30 वाला, ठीक है। तो अब जो है मेरे को 4 राइड करना है, लेकिन समय है मात्र 1.5 घंटा भाई साहब, 1.5 घंटा भी नहीं, 1 घंटा 20 मिनट बचे हुए हैं। हम छोटी छोटी राइड को लेकर के जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, 30 रुपये का इंसेंटिव हो चुका है। देखो गाइस हमारा ये जो है ना पोर्टर रैपिडो का 2 इंसेंटिव कंप्लीट हो गया, 31 वाला 1 25 वाला, मतलब मैंने 5 राइड कंप्लीट कर दिया, बट अब 2 राइड बाकी, ये तो नहीं आ रही है भाई, और टाइम भी ख़त्म होने वाला है, 2 मिनट बचे हुए हैं। अब ये राइड दे ही नहीं रहा है, लास्ट कंप्लीट किया उसका दे ही नहीं रहा है, मिलेगा भी नहीं, बहुत चालू है रैपिडो भाई। अभी 2 राइड पॉसिबल नहीं है, 3 मिनट बचा हुआ है, 2-3 मिनट, तो वो पॉसिबल नहीं है कि 2 राइड हो पाएगा, क्योंकि राइड ही नहीं आ रहा था, इसके कारण से हमारा लुचा हो गया भाई। चलो देखते हैं, हमने उबेर भी ऑन कर लिया है, बाकी अमाउंट तो लगभग दोनों सेम ही दे रही है अभी, ठीक है, 0 कमीशन करने के बाद लगभग अमाउंट सेम मिल रहा है, बहुत अच्छा खासा हो भी रहा है अर्निंग, लेकिन दिक्कत यही है सारा ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, हमारा वॉलेट में माइनस जितना था वो प्लस हो गया भाई, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। चलो ठीक है देखते हैं, कुछ तो जुगाड़ होगा ज़रूर। लो उबेर में आ गई भाई, 79 रुपीज़, 7.9 किलोमीटर लेक टाउन की है, ले लिया। चलो सुरेंद्र कुमार, चलो उनको पिक करते हैं फटाफट। सही से हर कोई लोकेशन भाई गड़बड़ गड़बड़ करके रखता है। हाँ पिन बताइए। 8995 है, देखो 8995 लोकेशन यहाँ पकड़ता है, हम करते हैं वहाँ से करता है, पकड़ता है। आप घर से कर रहे थे क्या? हाँ घर से ना, इसीलिए घर से कीजिएगा तो इस तरफ आकर के कीजिएगा। बहुत कोई ऐसा करता है जैसे कि दो लोकेशन, अगर दो रास्ता जा रहा हो ना तो आपको रोड के साइड आकर के बुकिंग करना चाहिए, जब नहीं नीचे नहीं आप इस साइड आकर के बुकिंग कीजिए तो कभी भी ऐसा दिक्कत नहीं होगा।
का जरूर। चलो 88 का राइड हो गया कंप्लीट, डन 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 डन। अभी यहाँ पे रैपिडो ऑन करते हैं, इंसेंटिव तो ख़त्म हो गया भाई रैपिडो का, दो राइड बाकी रह गया यार, मिस कर गया दो राइड। चलो कोई नहीं, मेरे को पता ही था दो राइड जो नहीं हो पाएगा, हाईएस्ट पाँच ही हो पाएगा, क्योंकि भाई 3 घंटे में 7 राइड थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि कभी छोटा कोई बड़ा कभी मोटा ऐसा राइड आता है। चलो ये आ गया काकुड़गाछी की राइड, 67 रुपीस ले लेता भाई। बंदा यहीं पे खड़ा है, यहीं खड़ा है। मैं देख पा रहा हूं उनको, बट वो मेरे को देख रहा है कि नहीं पता नहीं। भैया इधर, हेलो हेलो, देखे बोला ना भैया को, मैं देख पा रहा हूँ। हेलो, बसो ऑनलाइन। वेलकम। चलो ये भी हो गया डन, मिला कितना भाई वो तो देख लूँ, 63 मिला। चलो ठीक है ठीक है भाई ठीक है, नेक्स्ट को ढूंढते हैं ना। ख़त्म गाइस, ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, राइड वाइड ख़त्म, देख लो पूरा एकदम वाइट। उबेर का भी वही फंडा है, वाइट वाइट वाइट। लो भाई साहब, अभी 11:53 में है और राइड ख़त्म। क्या यार रैपिडो भाई, ऐसे भी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद 10 में 3 मिलता है, अब वो भी नहीं मिलेगा। ऐसे सुबह भाई बहुत भों 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 कर रही थी, लो मिल गया सियालदा की ना, ये लॉस हो जाएगा अपना। और ढूंढते हैं और ढूंढते हैं, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि बिना है ऑनलाइन करेंगे। अच्छा नसीब बहुत अच्छा था हम लोगों का, मेरा नसीब बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बच गया सही में। कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? हम तो जमशेदपुर से आ रहे थे, लेकिन बीच में ओवर किए थे, तो मैं 2 साल से उसको वेदिक जाना था, वेदिक। अच्छा, तो गया वेदिक वो, और उनको चिकनाहट लाना था उसको, बोले थे लेकिन वो रास्ता सही से ला नहीं पाया हमको, उधर से गलत ड्राइवर को बताया नहीं, वो गलत रास्ता गया। ठीक है जी, इसीलिए हमको फिर वहाँ उतार दिया, वहाँ से करना पड़ा। ठीक है
भाई साहब अभी एक कांड हो गया। हुआ ये कि भैया को मैंने काकुल गाची से उठाया, ठीक है बताता हूँ केस। और इनका बैग था और मैंने हेलमेट दिया ही नहीं, बिना हेलमेट का भाई काकुल गाची से ले करके सेक्टर 4 तक आ गया भाई, समझ लो 5 किलोमीटर बिना हेलमेट का। बाप रे बाप, मेरा तो भाई हम आ करके यहाँ पे देख रहे, अरे आपने हेलमेट पहना नहीं, फिर मैं बैग चेक कर, अरे यार बताओ मैंने हेलमेट दिया ही नहीं तो वो पहनेंगे कहाँ से भाई साहब। इसको बोलते लक, बहुत बढ़िया लक है भाई। अब पता नहीं ऑनलाइन वनलाइन चला नहीं, ये तो दिया होगा, ऐसे पता तो नहीं चल रहा है। इन्होंने क्या किया, टोपी पहन रखा था अपना, ठीक है हुडी का जो टोपी होता है ना वो पहन रखा था, चलो बच गए भाई। और मेरे पुलिस तो रास्ते में कहीं पर दिखा नहीं, और ये मेरे पीछे थे तो और भी ज़्यादा सेफ हो गया। फर्स्ट टाइम ऐसा मिस्टेक हुआ, एक्चुअली हुआ कि उनका बैग बड़ा था, ठीक है तो मेरे को लगा भाई मैंने दे दिया, उस समय माइंड में ही नहीं रहा कि हेलमेट भी देना है उनको, उनका बड़ा बैग था तो उस चक्कर में मैं भूल गया भाई साहब। बताओ भाई लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ, लेकिन लक अपना बहुत अच्छा था कि हम बच गए। अब बाकी जो होगा भाई ऑनलाइन वॉनलाइन तो अलग बात है। चलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, देखो गाइस 1:15 हो चुका है, राइड भी आना बंद हो चुका है, तो जैसे तैसे हुआ हमने खींच गाच के भाई कर दिया। एक छोटी सी राइड आ रही है, मन कर रहा है लूँ या ना लूँ, ले लेता हूँ चलो, फालतू का ये भी परेशान हो रहा है। यूनिटेक जाना है इनको, देखो आ गए ना राइड, ये भी फालतू का परेशान हो रहा है इसी कारण से बोला चलो ले लेता हूँ भाई। अरे यार 1.5 किलोमीटर पिकअप दिखाने लगा, अरे भाई साहब ये तो कस्टमर ने कैंसिल मार दिया यार, ये क्या बात हुई। जाना नहीं तो बुकिंग मत किया करो, 3-4 बार आया सोचा कि चलो ले लेता हूँ पहुँचा दूँगा डेस्टिनेशन तक, लेकिन नहीं छोड़ो। अगर आप लोग को इंश्योरेंस बाइक का या कार का किसी का भी इंश्योरेंस करवाना हो, लाइसेंस बनवाना हो, चाहे कोई भी लाइसेंस हो सारा बन जाएगा, रोड टैक्स कटवाना हो कोई भी गाड़ी का हो कट जाएगा, या ऑनलाइन से रिलेटेड कोई भी काम हो करवा सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अर्निंग जो हुई है ना हमारी 442 की हमारी अर्निंग हुई है रैपिडो में, ठीक है जिसमें कि मेरा 150 रुपये इसमें माइनस चल रहा था वो उसने डिडक्ट कर लिया भाई। और उबेर में जो अर्निंग हुई है वो 194 की हुई है, मतलब 200 रुपये आप रख सकते हो। यही दो एप्लीकेशन पे आज मैंने काम किया, उबेर में तो बहुत कम किया, सारा काम जो है रैपिडो में किया हूँ। टोटल मैंने दिखाता भाई, दिखा दे ऑल्ट ऑर्डर में जाके देखता हूँ, 7 ट्रिप मैंने किया है रैपिडो में, और इसमें कमीशन मिला है मेरे को, ठीक है इसी कारण से मतलब 55 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है, मतलब इंसेंटिव मिला जिसके कारण से हमारा ये अर्निंग ज़्यादा हो गया है। बाकी 383 की अर्निंग हुई है, इंसेंटिव 55 रुपये के कारण जो है ना हमारा 447 की अर्निंग हो गई है। तो रुको मैं साइड में रुकता हूँ, अर्निंग बता देता हूँ आप लोगों को थोड़ी सी, एक सेकेंड गाइस। 442 प्लस आप 200 रुपये उबेर में रख सकते हो क्योंकि बहुत ने थोड़ा बहुत चेंज वेंज दिया, तो 642 की अर्निंग हुई है। और गाड़ी जो हमारी चल गई ना वो 30-60 किलोमीटर एंड 71 किलोमीटर चल गए, और 2 अभी घर जाने में, मतलब 73 किलोमीटर। वही सेम हमारी पेट्रोल कॉस्ट हो गई 150 रुपये की। तो गाइस
492 हमारा बजट हो रहा है भाई, मतलब बच रहा है, यही अर्निंग रही हमारे। रैपिडो भी ठीक ही दे रहा है राइड, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखो एंड टाइम में क्या हो रहा है ना, 1 बजे के बाद से राइड ख़त्म हो जा रही है, मतलब 12 बजे के बाद से भाई राइड ख़त्म हो जा रही है। बाकी पैसा वैसा बहुत अच्छा दे रहा है, पैसे में लेके कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा है रैपिडो भी। सियालदा की एक राइड आ रही थी, ठीक है, वो कुछ 9-10 बजे के आसपास आ रही थी, तो उसमें क्या फ़ायदा हो रहा था ना, मैं बताता हूँ, उसमें फ़ायदा ये हो रहा था कि वो जो है 47 रुपये का सिर्फ सर्च दे रहा था, 10 किलोमीटर था डिस्टेंस, 11 किलोमीटर था डिस्टेंस, तो उसमें 111 रुपये का प्लस 47 रुपये सर्च पे दे रहा था भाई साहब। मतलब क्या बताऊँ, बताओ 47 रुपये का सर्च, ये सर्च ना आपको ज़्यादातर उबेर का पार्सल में देखने को मिलेगा, अधर्म नहीं देखने मिलेगा। चलो अभी हम घर जाते हैं भाई, भूखे प्यासा हूँ, ठीक है, बंद कर दिया एप्लीकेशन को, भूख लगी है, सुबह खा के नहीं निकलता हूँ ना, ऐसे ही निकल जाता हूँ। चलो मैंने अर्निंग बता दिया, पेट्रोल बता दिया भाई, सब कुछ बता दिया आप लोगों को, बस प्यार एंड सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, चैनल को सब्सक्राइब करो, 5K कंप्लीट करो, है ना, जल्दी से जल्दी, लेट करोगे तो फिर दिक्कत है, पहले जल्दी से जल्दी करो, अब ज़्यादा टाइम मत लगाओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने बंदे लाइक करना, और सेफ ड्राइव, सेफ योर लाइफ एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ।